नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए वीरगो एसेंडेंट के लिए जून का महीना कैसा रहेगा? देखिए, मैं वेरी फर्स्टली क्लियर करता हूँ आप लोगों को किसको ये वीडियो देखना है। ये बुनियादी बात समझने के बाद ही वीडियो देखिएगा, अदरवाइज बाद में आप लोग कमेंट लिखते हैं और मैं जानता हूँ ये काम करती है चीज़ें। आप लोग ऐसे बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रही है, आपकी जो डेट बताते हैं वो डेट में वो नहीं होता है। देखिए, पैसे वाली डेट का मामला जो है, मैं बोलता हूँ कि इस दिन पैसा आएगा, उस दिन पैसा नहीं आता, इसका मतलब आपके बेस चार्ट में दम नहीं, तभी ऐसा होगा। लेकिन नेगेटिव बात जो है वो डेट काम करती, आई हैव प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, और आपको नहीं ऑब्जर्व किया है, मैंने 30 साल में बहुत लोग को ऑब्जर्व किया है, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, तो ये मैं शेयर करूँगा आपसे। लग्न कुंडली, ये किसको बोलते हैं लग्न, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके बहुत सारे चार्ट है, उसमें पहले घर में 6 लिखा है, तो 6वीं राशि आपका लग्न है, 6वीं राशि कन्या है, इसके लिए आपका कन्या लग्न है। कन्या लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, इस कुंडली में आपकी लग्न कुंडली में कहीं भी देखिएगा, आपका चंद्र लिखा होगा वह 6 लिखा होगा, यानी कि 6वीं राशि है आपकी राशि, यानी कि आपकी 6वीं कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि लग्न में ही चंद्र हो तो लग्न और राशि एक ही हो जाता है, वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपका अगर कन्या लग्न है तो इस वीडियो को देखिएगा। अब इसको आप देखिए, एट ए ग्लांस देखते हैं इसको, 6, 8, 12 में कोई पापग्रह का मूवमेंट नहीं है। पापग्रह जो शुक्र है वो सिर्फ एक ही दिन 10 मई से 3 जून तक, यानी कि 3 जून को ये चेंज होके आगे जा रहा है, और बाद में एकदम एंड ऑफ द मंथ में फिर से एक बार चेंज करता है। लेकिन वो अष्टम स्थान का शुक्र आपको रिजल्ट दे चुका है 10 मई से 3 जून में, ये वीडियो 3 जून से शुरू हो रहा है, 1 जून से शुरू हो रहा है, यानी कि ये व्हीकल से खतरा देना था वो दे चुका है। कभी कभार ऐसे टाइम में मैंने बोला लास्ट मंथ ही आपको कि वो ये क्या बेनिफिट आपको डिसएडवांटेज दे सकता है कि व्हीकल से प्रॉब्लम दे सकता है, अपना व्हीकल हो कहीं ख़राब हो जाए, कहीं व्हीकल की वजह से आपका एक्सीडेंट का चक्कर आ जाए 10 मई से 3 जून द स्टोरी इज ओवर। अभी 4 जून से ये शुक्र आपके वृषभ राशि में भाग्य में जा रहा है, और मैंने बोला ऐसा ये महीना है कर्मस्थान की बुलंदी को छूने के लिए। आपने लास्ट महीना 18 मई से 1 जून में काफ़ी अच्छा इंटेलेक्चुअल प्लानिंग किया है, ऑलरेडी देखिए गुरु की आस्पेक्ट आपके बुध के ऊपर है, सूर्य के ऊपर है, यानी कि आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कर्मस्थान में मंगल राहु जैसा ग्रह है, राहु जैसा ग्रह, राहु जिसको दस में तो दुनिया उसकी बस में, 1.5 साल तक में आपके कर्मस्थान में आपको रिस्क लेना चाहिए। जो ये टाइम आया है ये 1.5 साल आपके कर्मस्थान में रहेगा, टेक द एडवांटेज, आप जो भी लेवल पे। उल्टा देखिए सितंबर के बाद, ये नवंबर के बाद, नवंबर को गुरु बदलेगा, 5 नवंबर को गुरु भी कर्मस्थान में आ जाएगा, आपके चतुर्थ में आ जाएगा, कर्मस्थान को देखेगा, यानी कि वो और बेनिफिटेड होगा। 10th हाउस का राहु किसी की लाइन में बैठने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से झूठ का सच, सच का झूठ करके अपने हासिल करेगा कर्मस्थान की ऊंचाई को, पूरी कोशिश करेगा। अभी 10th हाउस में मंगल के साथ राहु है, एक एनर्जेटिक टाइम है, आप एक एनर्जी से अपने कर्मस्थान पर जुटे हुए, शनि की आस्पेक्ट आपके कर्मस्थान पर है। मैं हर वीडियो में ये भी बात बता रहा हूँ आपको, शनि मंदिर में अभी भी जब तक शनि बदलता नहीं, यानी कि 24 जनवरी 2020 को शनि आपके संतान स्थान में जाएगा, यानी कि वहाँ स्वगृही हो जाएगा, तब तक आपको कर्मस्थान पर शनि की आस्पेक्ट है, यानी कि गधा मजूरी, मेहनत बड़ी हुई है और रिटर्न्स कम है, लेकिन ये एक आपका काम धंधे में आप जहाँ भी है वहाँ एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश करेगा। एंड यू आर द परफेक्ट पर्सन, कन्या वालों को मैं देखता हूँ आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ बॉसिस आप पर हमेशा खुश रहते हैं, एंड यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर बजटिंग, आप जो पैसा है उस पैसे में आप मैनेज कर लेते हैं अपने घर को, ये आपकी ताकत है कन्या लग्न वालों की। आप देखिएगा आप में ये गुण हो गए ही हो गए, आपका घर या आपका बजटिंग आपका सबसे बड़ा ताकत है, और वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी ताकत है बजटिंग। लोग भले चाहे पीछे जो बोलना है बोले, बट इट इज़ योर स्ट्रांगनेस, आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और स्पीड में बोलते हैं आप लोगों का बोलना भी एकदम स्पीड में होता है, बहुत स्पीड में बोलता है। मैं वीरगो को पहचानता हूँ उसकी स्पीड में बोलने की वजह से, बुध का लग्न है, दूसरों को रिकग्नाइज करने की आदत है। कन्या लग्न की औरतों के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ कि वीडियो साथ चलता रहेगा, कितना भी बड़ा घर हो, कितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हो, ये सबको संभाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछता है अगर कन्या लग्न आपको सूटेबल होता है तो द बेस्ट है, ये फीमेल्स द बेस्ट फीमेल्स होते हैं, कन्या लग्न के आदमी भी बहुत व्यवहारिक तो होंगे लेकिन फीमेल्स के लिए ये कन्या लग्न काफ़ी सूटेबल है। दे नो
व्यवहार संभाल लेते हैं, आपकी स्टेट पति का स्टेटस संभाल लेते हैं, तो कन्या लग्न ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि विच इज़ द बेस्ट आउट ऑफ 12, तो कन्या लग्न बेस्ट सबसे व्यवहार चला लेता। तो अभी आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। देखिए आपके कैलेंडर पे बैठ डे को मार्क कर लीजिएगा। मैं खुद अपने लाइफ में ये चीज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, अगर आप ज्योतिष को सीखते हैं समझते हैं तो उसका एडवांटेज लेना सीखिए। 9 और 10 जून को आप बैठे में मार्क करो, 13 और 15 जून को भी फुल्ली कर दो कैलेंडर पे, 24, 25, 26, 27 को भी कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। इन दिनों में रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये महीना बहुत अच्छा है, काफ़ी बुध का भी सपोर्ट है, आपके कर्मस्थान की बुलंदी छूने वाला है, क्योंकि आपका लग्नेश जो बुध है वो कर्मस्थान में आ रहा है, यही बेस पर बोला है मैंने। 2 जून से 20 जून में आपका लग्नेश आकाश में कर्मस्थान को छुएगा, ये कर्मस्थान की बुलंदी देके छोड़ेगा। ऑलरेडी राहु है, ये रिजल्ट देगा ही देगा, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राहु के साथ, डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देता है वो रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा 2 जून से 20 जून में। आप देखेंगे अपने कर्मस्थान पे आपकी बढ़ती हुई ताकत को 101% होगा, बट बैड डेज को मार्क कर लीजिएगा। अभी मैं ये डेट वाइज बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको थोड़ा 6वां, 8वां और 12वां चंद्र के बारे में बताता हूँ। 6वां, 8वां और 12वां चंद्र हमको थोड़ा मानसिक तकलीफ देता है, यानी कि कुंभ, मेष और सिंह का। कुंभ, मेष, सिंह और कुंभ, मेष, सिंह और कुंभ का चंद्र थोड़ी ट्रबल देगा। मेष कुंभ तो ये 3 दिन है। देखिए 1 जून को थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, चंद्र आपके 8वें स्थान में, चंद्र शुक्र की युति भी हो रही है, वो जाते जाते शायद, देखिए शुक्र जाते जाते भी अपनी 3 जून के पहले जात दिखा सकता है। थोड़े 3 जून तक अगर ड्राइव के लिए केयरफुल रहने के लिए जो मैंने बोला है उसमें पर्टिकुलरली देखिए चंद्र शुक्र की युति है 2 जून को, यानी 2 जून को थोड़ा अगर आपके पास व्हीकल है थोड़े केयरफुल रहिएगा ड्राइव करने के लिए। ऐसे बहुत डरपोक होते हैं कन्या वाले, आप लोग बहुत डरपोक हैं, ऐसे हिम्मत वाले नहीं है। जो दम एरिस और स्कॉर्पियो में है, कैप्रिकॉर्न में है, वो दम वीरगो में नहीं होता, बहुत कैलकुलेशन और फिर आगे बढ़ना। तो आप लोग का जैसे ड्राइविंग जैसा तो खतरा नहीं होता, बट कोई आके आपको टच कर दे आपकी गाड़ी, ये तो आप बहुत केयरफुल होते ही, आप लोग का काम करने का तरीका समझ सकते हैं हम लोग। 9 और 10 जून को 12वां चंद्र है, ये भी थोड़ा टेंशन का रहेगा। देखिए 9 और 10 जून यहाँ भी है, बैटेश में है 9 और 10 जून, यानी कि 9 और 10 जून को और एक क्रॉस लगा दोगे, वहाँ भी है यहाँ भी, नॉट गुड एट ऑल। 22, 23 और 24 जून को कुंभ का है, 22, 23 और 24, देखिए 24 यहाँ भी, तो 22, 23, 24 को आपको वो भी केयरफुल रहना है। 22 ज़्यादा नहीं, 22 तो है ही नहीं यहाँ, देर इज नो क्वेश्चन, 22 तो यहाँ नहीं है, 24 है यहाँ, सॉरी 24 है, 22, 23 और 24 है, तो 24 है, 24 तो इसके लिए मैंने यहाँ 22 से 24 है और 24 यहाँ शुरू हुआ है, तो 24 है, केयरफुली रहिएगा। मैं वापस अभी आपको रिवाइज करता हूँ ये डेट वाइज जो प्रिडिक्शंस में कैसे काम करेगा। देखिए 31, 5 से 1 जून आप अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में या फर्दर फ्यूचर प्लानिंग के लिए। 31 मई से 1 जून आपके हेल्थ की भी कोई शिकायत होगी तो वो भी यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट दे देगी, मतलब यू विल बी फिजिकली एक हेल्दी महसूस कर पाएंगे और नई आइडिया या आपको नया काम करने के लिए जो ताकत चाहिए वो भी आपके पास होगा। मतलब 31 मई से 1 जून दिन अच्छा है आपके लिए। 2 जून से 3 जून में आपके हाथ में पैसे आने चाहिए। ये देखिए ये जो दिन है ये आपके परिवार के लिए आप एंजॉय करने का दिन है, किसी के भी साथ आपके फैमिली में चाचा मामा परिवार यानी कि सब लोग, और ये दिन में हो सकता है कि आपका पूरा परिवार मिल भी जाए आपको किसी भी वजह से, और ये दिन अच्छे भी रहेंगे। 2 या 3 जून को आप खाना खाने के लिए भी बहुत अच्छा आप एंजॉय कर पाएंगे। 2nd and 3rd जून विल बी वेरी गुड डे। 4 जून को ये अपने भाई बहनों के साथ कोई रिलेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 4 जून को उसके साथ बात करके आप कर सकते हैं, और आपके पड़ोसी के साथ का कोई रिलेशन में कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप 4 जून को आपके पड़ोसी के साथ का मिसअंडरस्टैंडिंग कम करने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। और 4 जून को हो सकता है आप कोई कॉल का इंतजार कर रहे हैं तो वो 4 जून को आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिलेगा जिससे आप खुश हो जाए, तो ये 4 जून का दिन भी अच्छा रहेगा।
5 और 6 जून दिस इज द डे फॉर योर गेस्ट, मेहमानों के घर में आने का दिन है, यू विल बी हैप्पी एट योर होम, आपको घर में बड़ा आनंद महसूस होगा, 5 और 6 जून बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए, 7 और 8 जून ये दिन है आपके बच्चे के लिए, दिस इज द डे फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए अच्छा दिन है, अगर आप स्टूडेंट है तो एजुकेशन के लिए भी देखिए 7 और 8 जून सबसे अच्छा दिन रहेगा, ओवरऑल अगर आप स्टूडेंट है तो देखिए गुरु जब तक थर्ड हाउस में आपके हायर एजुकेशन हाउस को देख रहा है, यानी कि एजुकेशन में जो आप टारगेट आपने तय किया है वो आप कर पाएंगे, मतलब ये 7 और 8 जून एजुकेशनली आपके पढ़ने के लिए अच्छा दिन है, और दिस इज द डे फॉर योर लव, आपकी प्रेम के लिए ये अच्छा दिन साबित होगा, 9 और 10 जून हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का दिन है, ऐसे रेजिस्टेंस की कमियाँ होती है आप लोगों में, ज़्यादा हेल्दी नहीं होते आप लोग, ज़्यादा हेल्दी आपका बाय बर्थ ही आप हेल्दी ज़्यादा नहीं होते, ऐसे स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाय नहीं होते बाय बर्थ ही, तो 9 और 10 जून को हेल्थ को केयरफुल रहिएगा। कन्या लग्न वालों की और एक खूबी बताता हूँ मैं, ये दवाओं के लिस्ट अपने जेब में रखते हैं या तो जानकार होते हैं, ये डॉक्टरों के पास जाए बिगर ही दवा लेते हैं, वो आपकी आदत, तो वो डॉक्टरों के पास जाए बिगर दवा लेने की आदत का फल आप 9 और 10 जून को वो आदत का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दे आर वेरी बजटिंग केयरफुल होते हैं कि भाई मेडिकल स्टोर से ही डायरेक्ट दवा लेने वाले, 9 और 10 जून को मैं देखता हूँ कन्या लग्न की ये भी होगी, तो 9 और 10 जून को आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, ऐसा रिस्क लेना ठीक नहीं। 11 और 12 जून इट विल बी हैप्पी डे फॉर योर मैरिज लाइफ, आप छा जाएंगे काम धंधे में, आपको लगेगा कि मैंने जो कर्मस्थान की बुलंदी की बात करी है वो ये 11 और 12 जून के में इफेक्ट आएगा ही, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, 11 और 12 जून काम धंधे के लिए द बेस्ट डे साबित होंगे, 13, 14 और 15 ये 3 दिन आपको थोड़ा मानसिक तनाव में डालेगा, थोड़े और केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। 16 और 17 जून ये दिन आपके लिए कहीं ना कहीं से लकी दिन साबित होंगे, हो सकता है आप रिलीजियस कोई मंदिर की मुलाकात ले लो और कोई ना कोई नई आइडिया मिलेगी आपको काम करने के लिए, एंड दिस विल बी द लकी डे, आपको नई आइडिया भी देगा, हो सकता है आपके बच्चे के बच्चे हो, इतनी उम्र हो तो यू विल एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रंस, आपके बच्चों के बच्चे के साथ का एंजॉय करने का ये दिन है आपके लिए 16 और 17, या तो उनके साथ कनेक्शन का ये दिन है 16 या 17, 16 और 17 दोनों ही। 18 जून से 20 जून मैंने वैसे ही बोला कर्मस्थान की ऊंचाई के लिए जो टाइम है, आपका जो तीर जो आपने चलाया है वो सब तीर अभी ये वक्त पे काम करेगा, 18 से 20 जून द बेस्ट डे होगा काम धंधे के लिए भी आपके, 18, 19 और 20 जून काम धंधे के लिए बेस्ट दिन, 21, 22 और 23 दोस्तों के साथ एंजॉय करने के टाइम है ये, अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझने का टाइम है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजी ये घूम रही है और किस तरह से आप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये बात में आपकी आपका स्टडी करने का टाइम है, और 21, 22 और 23 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, इसमें कहीं आप फंसते नहीं हैं। देखिए 16 तारीख से 23 तारीख तक आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, 16 से 23 एकदम स्मूदन जाएगा आपके लिए, ये काम धंधे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिगर भी आपके हाथ में आ सकता है 21, 22, 23 में, आप हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि तीसरा गुरु 11वें स्थान को देखेगा और पर्टिकुलरली ये 11वें स्थान का इफेक्ट देख रहा हूँ मैं, 24, 25, 26 और 27 इसको मार्क कीजिएगा कैलेंडर में, ये एकदम मानसिक परिताप के दिन है 24, 25, 26 और 27, हो सके तो इसमें से एक आध दो दिन तो ऑफिस को टालिएगा या तो जहाँ रिस्क लगे उसको ज़्यादा छेड़िएगा नहीं, 24, 25, 26, 27 इट मे बी एन एक्सपेंसिव डे, आपके बकवास करने से बोलने से अगला आदमी हो सकता है पिंच हो जाए और आपके अगेंस्ट में सोचे, ऐसे तो वीरगो है आप प्रैक्टिकली बोलने में बहुत माहिर है, 24, 25, 26, 27 को अपने आपका गलत डिसीजन को भी केयरफुल रहिएगा, कोई धड़ाम से डिसीजन नहीं ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े, जो रिस्क लेने वाली बात लगे उसको कल पर टाल दीजिएगा, एक दिन में पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपकी फेवर में। 28 जून, 29 जून, 1, 2, 3, 4 ये सब टाइम है अपने आप को रिवाइज करने का, यानी कि एंड ऑफ द मंथ है टू रिवाइज योरसेल्फ, अपने आप को रिवाइज करेंगे नए डिसीजन नए स्ट्रेटजी बनाने में, कहीं ना कहीं किस तरह से बर्ताव करना है, क्योंकि राहु दशम में है, देखिए पूरा एडवांटेज लीजिएगा, दशम में राहु कोई भिगमंगा नहीं है, वो अपना अधिकार छीन के लेगा, अपनी प्रोसेस में वो बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ेगा, और डेफिनेटली अगर आपके कर्मस्थान में कोई ग्रह के ऊपर से ये राहु पास होता है तब रिजल्ट थोड़ा कुछ माइनस प्लस करेगा,
बट राहु टेंथ में कुछ ना कुछ तो मदद देगा आपके लिए, ये बात मान के चलिएगा। सूर्य आपके भाग्य में है, देखिए 15 जून से सूर्य भी आपके कर्मस्थान में है, सूर्य भी कर्मस्थान में आ रहा है 15 जून से 16 जुलाई के लिए, ये भी एक अच्छा रिजल्ट ही देगा कर्मस्थान में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस के रिलेटेड कोई भी कामकाज हो तो उसमें भी 15 जून से आपको 16 जुलाई में वो भी काम हेल्पफुल होने लग जाएगा, यानी कि वो एंड ऑफ द जून में एक्चुअल वो रंग में आता है, क्योंकि वो रोज की एक डिग्री चल के 15 डिग्री हो, रोज एक एक डिग्री एक अंदाजन चलता है इसलिए, यानी कि उसका रिजल्ट आपको 30 जून के बाद ही अमाउंट मिलता है, क्योंकि वो एकदम सेंटर पे जाना पड़ेगा उसको तभी होगा। अभी शनि जैसा ग्रह मैंने बोला ऐसा, शनि मंदिर में आपको रेगुलर जाना ही है, गुरु की आस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है, देखिए स्पाउस के साथ पति या पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता इसमें, सप्तम स्तृति में है, कोई समझो अनमैरिड है कवारे है उनको पड़ोस में कहीं चक्कर वक्कर चलाने के लिए दिस इज द टाइम गुड टाइम। वीरगो वाले ऐसे हिम्मत वाले नहीं है, दे आर नॉट वेरी डेरिंगबाज नहीं है, दिखने में देखिए उम्र से कम दिखाई देते हैं, ये आपका अपेरेंस है, आपका उम्र जो भी होगा उससे आप कम दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, ये और एक आपका नेचर है कन्या का वीरगो का। अभी चंद्र शुक्र की युति हो रही है, देखिए मेष ये खगोल है थोड़ा एस्ट्रोनॉम, चंद्र शुक्र की युति हो रही है आपकी 2 जून को, मैंने बताया आपको व्हीकल से केयरफुल रहने का दिन है, थोड़ा नोट कर दीजिएगा उसको भी, आपके पास कहीं भी अगर ड्राइव करते तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 3 जून को अमावस है, सोमवती अमावस है, राहु तो आपके फेवर में है 10th हाउस में है, कोई अगर सोमवती अमावस का शनिवार का देखिए, बट शनि का दान करिएगा सोमवती अमावस के दिन, लाभ होता है, शनि मंदिर में जाते हो तो भी चलेगा मंडे को, इट विल बी हेल्पफुल। चंद्र बुध की युति है 3 मिथुन राशि में 4 डिग्री पर कर्मस्थान में, चंद्र बुध की युति लग्नेश बुध आपका कर्मस्थान में आया ही है, ये दिन आपके काम धंधे के डिसीजंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5 जून को चंद्र मंगल की युति हो रही है कर्मस्थान में, वो भी दिन अच्छा रहेगा, मंगल भी राहु मंगल जैसा ग्रह दशम में आया है, ये आपको कुल दीपक का योग मतलब कुछ ना कुछ थॉट टेम्पररी 7 मई से 21 जून आपके परिवार में कहीं ना कहीं छा जाने का वक्त मिलेगा आपको 7 मई से 21 जून में, अच्छा दिन है, मंगल का 10th हाउस में होना अच्छा माना जाता है। सूर्य गुरु की प्रतियुति है 10 जून को, देखिए सूर्य गुरु की युति है वृषभ राशि में और वृश्चिक में, गुरु तो यही है और सूर्य की गुरु, यानी कि ये भी भाग्य के लिए सूर्य गुरु की युति भी आपके लिए ये दिन भी बहुत अच्छा रहेगा 10 जून का। 17 जून चंद्र गुरु की युति है 3rd हाउस में, भाइयों के स्थान में चंद्र गुरु की युति है पड़ोसियों के स्थान में, यानी कि भाइयों के पास पैसा आ सकता है, पड़ोसियों के पास पैसा आ सकता है, अगर आपके भाइयों के साथ का रिलेशन अच्छा है तो देखिए 17 जून को भाई को अजमा के देखिएगा, पैसे की बारिश भाई के थ्रू हो सकती है आपके पास, चंद्र गुरु की युति भाई बहनों के स्थान में, कहीं ना कहीं वो भी फाइनेंशियली भी अच्छा दिन हो सकता है, भाग्य पर आस्पेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है उस दिन को। 17 जून को मिथुन आगे, ये सूर्य मिथुन राशि में जा रहा है और चंद्र धनु का होगा 17 जून को, धनु का चंद्र यानी कि आपके चतुर्थ और 10th हाउस में ये फुल मून हुआ है, अच्छी बात है, पूर्णिमा का घर के स्थान में कर्मस्थान में पूर्णिमा का होना कर्मस्थान में सूर्य का आना अच्छी बात है, ये भी अच्छा दिन है आपके लिए। और 19 तारीख को शनि चंद्र की युति है, शनि धनु में है, पैसा बचाने वाला जो नेचर है उसका कहीं ना कहीं 19 जून को आपको दर्शन होगा शनि चंद्र की युति। ये आपका लेखा जोखा है पूरे महीने का, ये वीडियोस में मैंने काफ़ी आपको हिट भी दिया है वीरगो के नेचर के बारे में, थोड़े पॉइंट आपके देखिएगा आप में है वैसे पॉइंट आपको वो दूसरों में भी दिखाई देंगे, और मैंने जो डेट आपको मार्क किया है ये बैड डेज को ये डेफिनेटली कैलेंडर पे मार्क कीजिएगा, और ये ऐसा नहीं होता, देखिए बैड डे तो डेफिनेटली काम करते हैं, गुड डे काम करने में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन बैड डे हमको टेंशन देते हैं, आपका बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बैड डे के दिन रिस्क नहीं लीजिएगा, मैंने एस्ट्रोलॉजी से ये बात कंफर्म जाना कि गुड डेज को रिजल्ट शायद नहीं मिलता, उसकी हज़ारों वजह हो सकती है, बट बैड डेज तो काम करता ही है, यानी कि टेंशन वाले दिन को तो मैंने आपको रिकग्नाइज करके दिया है, बाकी और ये एवरेज महीने में ये दिन को आप टाल देंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, कर्मस्थान की बुलंदी को छूने का ये टाइम है, टेक द रिस्क, आप जो रिस्क लेना चाहते हैं इस महीने में लीजिएगा। कवारे हैं उनकी शादियों का योग भी बन रहा ही है,
ये गुरु की एस्पेक्ट ही सेवेंथ हाउस पर है, तो उनके लिए भी साल भर कभी भी अच्छा टाइम आ ही सकता है। विवाह के लिए स्टूडेंट है, उनके एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, और स्पाउस के लिए, मैरिज लाइफ के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूँ। बाकी ये रहा आपका लेखा जोखा। प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।